जय हिंद। सभी सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल में। इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट समझाऊंगा। पहला ORP के पॉइंट के बारे में बताऊंगा, दूसरा है नेशनल पे के पॉइंट के बारे में बताऊंगा, तीसरा है लास्ट पे का 50% करके जो पेंशन आए हैं उसके पॉइंट भी समझाऊंगा। सारे पॉइंट आप अच्छे से समझिएगा। जो आपको मैं पेंशन बता रहा हूँ वही पेंशन आपकी होनी चाहिए, वही आपको मिलनी चाहिए। अगर वह नहीं मिल रही है तो आप नीचे कॉमेंट करके और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और लास्ट में आप कॉमेंट करके बताना, इसका मैं सोल्यूशन ज़रूर आप लोग को बताऊँगा। चलिए चलते हैं पहली इन्फॉर्मेशन की तरफ। 30 जून 2019 तक आए सभी पेंशनर्स ORP 2 के लिए एलिजिबल है। जी हां, 30 जून 2019 तक जो भी पेंशनर्स पेंशन आया है उनके लिए ORP 2 अप्लीकेबल है, उनको ORP 2 की पेंशन मिलेगी। अगर कोई ऐसा पेंशनर्स है जो 30 जून 2019 तक आए लेकिन उनको ORP 2 की पेंशन नहीं मिल रही है तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं एक बार, लेकिन आप एक बार ज़रूर पेंशन चेक कर ले, आपको ORP 2 मिलेगी अगर आप 30 जून 2019 तक आए हुए हैं। फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ लेकर चलता हूँ। 1/7/2019 के बाद आए सभी पेंशनर्स लास्ट बेसिक का 50% ले रहे हैं, उनको पेंशन भी मिल रही है अपनी लास्ट बेसिक का 50% करके। एक बार अपनी पेंशन चेक कर ले, अपनी बेसिक पे चेक कर ले जो आपके PPO में मौजूद हो, यानी 1 जुलाई 2019 के बाद जो आए हैं उनके लिए ORP 2 अप्लीकेबल नहीं है। काफ़ी पेंशनर्स पूछते हैं कि हम 2020 में आए हैं, हम 2021 में आए हैं तो क्या हमारे लिए ORP 2 अप्लीकेबल है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नहीं, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2019 के बाद आए हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन अप्लीकेबल नहीं है। हाँ, उनके लिए ORP 3 अप्लीकेबल होगी, तो थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करने की ज़रूरत है। चलिए तीसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। एक्स ग्रुप के पेंशनर्स नेशनल पे का अपना EPPO चेक करें और नेशनल पे चेक करें। एक्स ग्रुप के कई पेंशनर्स हैं जो एक्स ग्रुप पर 6200 रुपये ले रहे हैं, तो उनके साथ क्या हो रहा है, वो ORP 2 की पेंशन ले रहे हैं लेकिन उनके PPO में नेशनल पे भी फिक्स की हुई है 1/1/16 से, तो उसमें उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। ORP 2 से ज़्यादा बेनिफिट उन्हें नेशनल पे में हो रहा है क्योंकि उनकी बेसिक पे में 6200 रुपये ऐड हो रही है, तो बेसिक पे प्लस MSP प्लस ग्रुप पे 6200 रुपये और क्लासिफिकेशन अलाउ। अगर आप इन सबको टोटल करेंगे और इसके बाद आधा करेंगे तो आपकी पेंशन ORP 2 से ज़्यादा बन रही है, तो आप फिर ऑप्शन चूज करेंगे नेशनल पे का, फिर आपको इसके अकॉर्डिंग इसके अनुसार पेंशन मिलेगी। फिर आप अपनी पेंशन ठीक करवा सकते हैं पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से, क्योंकि आप बोलेंगे कि उसमें कि मुझे ORP 2 से ज़्यादा फ़ायदा नेशनल पे में हो रहा है। तो ऐसे पेंशनर्स हैं जो एक्स ग्रुप के हैं, एक बार वाई ग्रुप के भी पेंशनर्स अपनी नेशनल पे चेक कर सकते हैं जो उनके पास PPO आया है 1/1/16 के बाद का, क्योंकि पेंशन जांच करना आपकी समझदारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, तो सही से आप एक बार पेंशन जरूर चेक करें। फिर चौथी इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मैच्योर आया उनको ORP 2 नहीं और दे भी नहीं रहे पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, जैसे कि बैंक और स्पर्श। जैसा कि ORP 2 का रूल भी था, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 के बाद प्री मैच्योर आए जो आर्मी रूल के अंतर्गत, उनके लिए ORP 2 नहीं है। कुछ पेंशनर्स ने शिकायत किया कि हमें ORP 2 दीजिए, लेकिन CP ग्राम के एक गृहांश में जवाब आया कि आपके लिए ORP 2 अप्लीकेबल नहीं है। तो जो प्री मैच्योरिटी हैं वह एक बार चेक कर लेंगे, कहीं उनको गलती से ORP 2 तो नहीं मिल रही है, क्योंकि अगर मिल रही है बेसिक पेंशन दी जा रही है तो फिर बैंक और स्पर्श रिकवरी भी कर सकता है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग अगर आप सही पेंशन ले रहे हैं तब आपकी कोई रिकवरी नहीं होगी। हाँ, अगर आप एक्सेस पेमेंट ले रहे हैं, एक्सेस पेंशन ले रहे हैं, तब आपकी रिकवरी हो सकती है। आप अपनी पेंशन सही से चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके लिए ORP 2 है ही नहीं लेकिन आप ORP 2 ले रहे हैं, यह गलत हो जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग और जो पेंशन लाभ है वही आपको पेंशन मिलनी चाहिए ताकि आगे कोई रिकवरी ना हो सके। फिर अगली इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। जो भी सिपाही नायक 2016 के बाद आए हैं और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल या 16 साल से एक दिन भी ऊपर है तो फिर ACP हवलदार कहलाएंगे या फिर MACP हवलदार कहलाएंगे और उनकी फिर बेसिक पेंशन 21782 होगी। काफ़ी पेंशनर्स कमेंट करके पूछते हैं हमारी 21782 है, यानी वो हवलदार हैं लेकिन पहले सिपाही थे और बाद में नायक कहलाने लगे, MACP हवलदार और ACP हवलदार, तो उनकी बेसिक पेंशन 21782 है। अगर उनको 8807 मिल रही है सिपाही की या फिर नायक की 20107 मिल रही है तो गलत मिल रही है, आपके लिए MACP अप्लीकेबल है, फिर आप MACP हवलदार कहलाएंगे और आपकी पेंशन हो जाएगी 21782। आप याद रखिए, अगर आपको नहीं मिल रही है 21782 तो फिर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसका सोल्यूशन बताऊँगा। फिर अगली इन्फॉर्मेशन है, जो सिपाही नायक
हवलदार हॉनरी नायक सुविधा 2006 के बाद आए हैं और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 साल है या 24 साल एक दिन भी है तब भी उनको 24,825 रुपये पेंशन मिलेगी ACP MACP नायक सुविधा की। फिर वो कहलाएंगे MACP नायक सुविधा। तो एक बार जो सिपाही हैं, नायक हैं, हवलदार हैं, हॉनरी नायक सुविधा हैं जो 2006 के बाद आए हैं और उनकी क्वालिफाइंग सर्विस 24 या 24 से ऊपर है तो उनकी पेंशन होगी 24,825। तो ये एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिए मैंने जो आपको अभी बताया। अगर यह पेंशन नहीं मिले 24,825 तब आप नीचे कमेंट करके बताइए, आपको मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो चलिए जो था मैं आप लोग को बता दिया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी का आइकन दबा लेना। चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।